नहीं, वो सही है, आप सही कह रही हैं कि उसकी वजह क्या है, लेकिन ये भी कुछ सच कह रही हैं। आप देखें सबसे ज्यादा सड़कों पर झगड़े भी आपको रमजान में नजर आते हैं, बाजारों में सबसे ज्यादा रमजान में नजर आते हैं, और हाथ भी इंसान के इसी तरीके से खुला हो जाता है कि इंसान सोचता है कि नहीं रमजान है, आराम से एंड में शॉपिंग करता है और बगैर किसी चीज के इंसान करता है, जब खुला हो गया हो जाता है, मतलब ये कि वो इंसान परहेज करता है। मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा परहेज नहीं करता रमजान में। रमजान में कहा जाता है कि शैतान को मतलब कैद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि शैतान इंसानों में पूरी तरीके से सराहियत कर चुका है। बहुत सारे शैतान जो है सड़कों में घूमते नजर आ रहे होते, आप भी कहते हैं कितना शैतान है, रमजान में बात नहीं आ रहा जी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रमजान में उनकी जात से इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा तो रख लिया, दिन भर फिल्में मंगाई, गाने देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और अच्छा गुजर गया। हाँ, बस भूख अपनी किसी तरह यानी अपने पेट को बर्दाश्त करने की, बस लोग ये समझते हैं कि बस भूखा रहना जो है वो यही रोजा है जी। अच्छा, मैंने देखा ज्यादातर यंगस्टर्स में ये भी बात आ गई कि वो बगैर सैरी का ही बड़ा फैशन चल रहा है रोजा रखने का, और यूनिवर्सिटी वाले बड़े फखर से बताते हैं 3 दिन से बगैर सैरी का रोजा रख रही हूँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि वो दिखावा कर रहे हैं, उनके दिल में अल्लाह का डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असल में अगर हम अभी अपने आप को देख रहे हैं, अगर हम छोटे बच्चों को देखें तो उनके लिए रमजान का एक ही मतलब है, इफ्तारी होने से पहले आधे घंटे हम पतंग उड़ा लें, जल्द से जल्द बस पतंग हमारी एक दो चार कट जाएं, दो चार आ जाएं। इवन मेरा भी यही है, मेरा भी यही काम होता है, पतंग ही उड़ा। आप कोई और बात कह दें तो भी आपको छोटा समझ लेंगे नहीं तो मतलब रमजान जिन लोगों को मतलब होता है ना, सेल्फिशनेस पतंग उड़ाती है इफ्तार से पहले? उड़ाती हूँ, बिल्कुल उड़ाती हूँ। कितनी कटती है एक दिन में? मतलब मैं कार्ड भी देती हूँ। कार्ड भी देती है? और क्या एक्टिविटी होती है सुना पतंग उड़ाने के अलावा? लोगों की नाइट मैचेस, लड़कों के नाइट मैचेस, तो शहरी के बाद शुरू हो जाते हैं लोगों के नाइट मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अब जो है ना नाइट मैचेस बहुत कम हो गए, ये आप आज से 5-6 साल पहले की बात बता रही है, अब तो नेट पर होते हैं, ये नई जनरेशन जो है ना ये फिजिकल एक्टिविटी से निकल के नेट पर आ गई है। कहते हैं वहाँ नाइट मैचेस होते हैं, लोग पूरे दिन रोजा रख के बहुत बड़ा एहसान करते हैं और रात को मैच खेलते हैं। सेल्फिशनेस खत्म नहीं होती लोगों की, सेल्फिशनेस मतलब रमजान आ गए तो हम सुधर जाएं, जो सुधरने वाले होते हैं वो डेफिनेटली सुधर जाते हैं, लेकिन लोगों की जो बुराइयां होती हैं वो खत्म नहीं होती हैं रमजानों से। और ये भी होता है कि बाहर लड़ाइयां भी बड़ी हो रही होती हैं, अगर आप देखें तो कोई ट्रक वाला रिक्शे वाले से लड़ रहा है, आपस में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं कि मेरे ख्याल से ये जो एक महीना होता है चाहे कुछ भी हो, ये हमारे लिए एक प्रोसीजर होता है पूरे साल को गुजारने का, तो चाहे कम करें या ज्यादा करें, पॉजिटिवली अगर इसको सोचा जाए तो ये अच्छी एक्सरसाइज भी है और दीनी एक्सरसाइज भी, और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी उभारती है हर तरीके से। मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी आप कहिए। बिल्कुल। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। इट नॉट नेसेसरी कि अगर रमजान है तो उसी में आपका बिहेवियर चेंज हो, उसी में आप नमाज के, इफ यू रियली आर बिलीवर तो आपको चाहिए कि आप थ्रू आउट अपनी लाइफ का पैटर्न वैसे ही रखें। हम लोग नमाज में खाली नमाज की रेगुलरिटी को देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बाकी साल में? जैसे रमजान खत्म हुआ सारी इबादतें सारी नमाजें गई, वही झूठ दगाबाजी रिश्वत देना सब हम स्टार्ट कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमने इस पिछले मंथ में क्या गेन किया। व्हाट वी आर सेइंग दैट चलो जी बस रमजान खत्म, अब रुक जाए ना, अभी रुक जाए मैं आपको रोक रहा हूँ ना, अभी तो रमजान शुरू हुआ है, वो बाद में क्या करेंगे छोड़े, अभी की बात करें ना, अभी हम क्या करें इस महीने? हम तो सिर्फ ब्लेम कर देते हैं शैतान को, ठीक है अब शैतान भी चला गया, लेकिन हमारे नफ्स पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं सब चीजें कि हम लोग अभी इससे नहीं भाग सकते, हम कहाँ जाएं, हमने तो देखना है, रात को आदत है मूवी देखने की देखनी है, गाने सुनने देखने, रोजा खत्म जय कौन किया गाने स्टार्ट हो गए, व्हाट वी आर शोइंग। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, इतना भी क्या फर्क पड़ता है, एक बंदा जो पहले से मुसलमान है माशाल्लाह जो नमाजें पढ़ता है वो पढ़ेगा, ठीक है ही नोज द वैल्यू, अब एक बंदे को फिक्र ही नहीं है कि अल्लाह उसको, कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह उसको देख रहा है नहीं देख रहा, ठीक है जहां तक स्मोकिंग की बात करें, जिसने स्मोकिंग करनी है वो करेगा, जिसने नहीं करनी वो नहीं करेगा, चाहे वो सहरी करे, किसी को क्या पता वो नियत करे, आप सबने ऐलान करके तो नहीं करेगा ना कि मैं रोजे की नियत कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपकी बातों से भी और जो अगेंस्ट में लोग मौजूद हैं कि वो शायद ये बात कहना चाह रहे हैं और शायद थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट बने हुए हैं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बदलता, कोई भी इंसान हम चांद रात सारी बार गुजारेंगे, ठीक है क्या हम लोग को प्रूव हो रहा होता है कि सारी रात हम शॉपिंग कर करके आ रहे हैं, एज शी सेड कि जो भी छिछोड़पन जो भी हो रहा था वो अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी रात शॉपिंग कर रहे थे लोग कराची आते हैं, इन माय फैमिली पीपल आर कमिंग टू कराची जस्ट टू एंजॉय द चांद रात, फाइन आई मीन, और हम लोग प्राइसेस हाई कर देते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं कि बाजी दिमाग मत खराब करो, लेना लो नहीं लेना ना लो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट पठान फ्रॉम आई एम फ्रॉम क्वेटा साइड, सो दे आर लाइक बाजी लेना लो दिमाग खराब नहीं करो रोजा है, लाइक व्हाट इज दिस, आप रोजा करके अल्लाह पे एहसान कर रहे हो, सो आई मीन अगर
नहीं, अग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। रोजा हमें सॉफ्टली सही जगह पे लेके जाता है, आपको बुराई से रोकता है, बुरा करने से रोकता है, बुरा देखने से रोकता है, एंड वी आर नॉट डूइंग इट, वी कांट स्टॉप आवरसेल्फ बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू ऑफ इट, वी कांट हाइड आवरसेल्फ फ्रॉम इट। टाइम वॉज फॉर एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है लास्ट सेशन में फैसला करेंगे कौन सा ग्रुप जो है आज विन कर रहा है। आखिरी चीज मैं कहूंगी कि एटीट्यूड में अगर चेंज इतना ही आ जाता है रमजानों में फेवरेट ग्रुप से, तो क्या खानदान में जो बड़े पुराने पुराने झगड़े चल रहे होते हैं वो क्या रमजानों में पैचअप्स हो रहे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती है, पार्टीज के आज तो हमने अपना फैमिली डिस्प्यूट सेटल डाउन करा है, ऐसा तो नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है उरुज कि आपको अफसोस हो रहा है ये कमेंट सुन के कि ये जो यंगस्टर्स ये बात कह रहे हैं कि नहीं बदलते हैं। अरे भाई, ये जो रमजान का महीना है या रोजा है, इट इज अ मैटर बिटवीन अ पर्सन एंड अ गॉड। रमजान में इसलिए थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एक शॉपकीपर जिसने चीजें बेचनी है उसको भी पता है कि उसने अपनी फैमिली को इस महीने के एंड पर कुछ देना है, ईदी के तौर पर, या घर में राशन ज्यादा आना चाहिए, बच्चों के कपड़े या जूते, लग्जरी, तो वो इस वजह से। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द हार्ट वो ये जरूर सोचते हैं कि ये वो महीना है कि मैं गिल्ट, मतलब वो फील करता है कि मैं ये थोड़ा गलत कर रहा हूँ। तो ये जो गिल्ट या फियर या एंगर का जो खौफ है, ये ही महसूस कर लेना रमजान की एक बहुत बड़ी खसूसियत है। आपने बहुत अच्छी बात की। क्या आउटकम होता है? ठीक है, हम लोगों को एहसास हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खाली एक महीना हमने अल्लाह पे एहसान किया रोजे रखकर, इबादतें कर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अगेंस्ट का ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। वैसे तो एक्सट्रीमिज्म की टर्म जो है हम तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से ज्यादा अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो आजकल क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप शायद ये बात महसूस कर रहे हैं या आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हर जगह आपको महसूस हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ बिहेवियर्स आपको ये बता रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे हैं। वी आर लीडिंग, वी आर सूटिंग व्हाट इज। चलिए, मुझे सबको छोड़े, सबको छोड़े, मुझे मैं आपसे पर्सनली आपसे सवाल करता हूँ, आप खुद कुछ चेंज होती है रमजान में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरा साल नमाजें पढ़ती हूँ, खाली रमजान की वजह से मेरे में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है ना, एंड आई कैन बी वेरी मच प्राउड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, आप सही, अच्छी बात है सर ये, लेकिन रमजान में कुछ आप महसूस करती हैं, कुछ आपकी लाइफ में बेहतरी आई है, कुछ आप अल्लाह के और करीब गई? टॉपिक हमारा ये कि हम जाते हैं नहीं, ठीक है, मैं अपनी बात करी, मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे फीलिंग्स आएंगी, सही है, लेकिन एक बंदा है, हम उसकी भी डिस्कशन करें कि उसको क्या फील होगा। ओके, आप और कौन अगेंस्ट हैं? आप फील करते हैं रमजान में कि आप अल्लाह के करीब जा रहे हैं? ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं होता। जाहिर से मैं 3 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं क्यों जुड़ू, मैं 5 वक्त की पढ़ता हूँ सुबह उठ के, मैं फजर सुबह भी नहीं पढ़ता, रोजा रखे कुछ करीब जा रहे हैं। मतलब अगर आप पूरे साल सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते थे तो आप रमजान में कुछ करीब जा रहे हैं? ठीक है, अगर आप 5% होते हो और फिर आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर 5% होता हूँ और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं ईद के बाद जो हूँ वो 5% भी, मैं रमजान की बात कर रहा हूँ, एक बात कुछ छोड़े, रमजान में आप कुछ करीब जाते हैं अल्लाह के? नॉट मोर देन 5%। ठीक है, आप बताएं। मैं सबसे पहले एक मिनट जी, आप बताएं। आई डोंट थिंक रमजान में कोई भी डिफरेंस पड़ता मेरी लाइफ में। आप जिस तरह से झूठ आम जिंदगी में बोलते हैं रमजान में बोलते हैं, जो मुझे पता है जहाँ झूठ नहीं बोलना मैं रमजान में भी नहीं बोलूंगा। बोलते जी, अगेंस्ट में कौन है? अगेंस्ट में कौन है? अगेंस्ट में आप जी, आप बताएं, क्या आप कुछ चेंजिंग आती है आपकी जिंदगी? सर, रमजान ऑफ कोर्स इज अ ब्लेसिंग, बट थिंग इज दैट व्हाट वी प्रीच फ्रॉम इट। हम लोग, रमजान हमें सिखाता है, रोजा हमें सिखाता है कि हम सबर करें और जब्त करें, लेकिन क्या हम अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं? आप करती हैं, आप अपने बताएं, पर्सनल पूछना चाह रहा हूँ। द थिंग इज, जिस बात पे गुस्सा आ रहा होता है आपको, रोजे की हालत में भी अगर आएगा तो आप उसका रिएक्शन करेंगे? आप नहीं करती, बल्कि और चिड़चिड़ी हो जाती है रमजान में? सर जी हाँ, मोस्टली इंक्लूडिंग दोस्तों से लड़ती है ज्यादा। सर मोस्टली यही होता है कि आप घर जाते हैं, आपको भाई बहन पे गुस्सा आ रहा होता है कि मेरा रोजा है और मुझे तंग नहीं करो, मोस्टली यही होता है। हमें रमजान सबर करना सिखाता है, ये सब सिखाता है, लेकिन हम उससे सीखते नहीं हैं। अच्छा, और कौन है अगेंस्ट में? कौन है और अगेंस्ट में? सॉरी, अगेंस्ट में कोई है? आप अगेंस्ट में ना? अच्छा, आप जो बात कर रही हैं, आप पर्सनली भी तो अपनी बात कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह से आपने बताया अपना, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है रमजान में। और मैंने ये बात फिर रिपीट करूंगी कि अगर ये बात सिर्फ इबादतों के एस्पेक्ट पे होती, रिलीजियस एस्पेक्ट पे,
तो मैं अभी फेवर के ग्रुप में होती। मैं इस वक्त बिहेवियरल एस्पेक्ट पे, क्योंकि आज टॉपिक है, इस वजह से मैं अगेंस्ट के ग्रुप में आई हूँ। और हम लोग के आप जो कह रहे हैं कि अगेंस्ट का ग्रुप बहुत एक्सट्रीमिज्म में जा रहा है, वो इस वजह से जा रहा है क्योंकि शायद वो बहुत सेंसिटिव ग्रुप है और वो ये फील करता है कि अगर हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं तो वो इस वजह से कि देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ करेक्शन एंड परफेक्शन इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी अभी भी परफेक्ट नहीं है। हमारी सोसाइटी में अभी भी बींग अ मुस्लिम, बींग अ गुड मुस्लिम, अभी बहुत सारी गलतियां हैं। पूछना चाहेंगे